सहाफियों ने कराची प्रेस क्लब से सिंध असम्बली तक एहतजाजी मार्च किया और धरना भी दिया और ऐवान में प्रेस गैलरी का वॉकआउट किया। हॉक्स पे सहाफी कॉलोनी में कराची प्रेस क्लब के मेंबरान के प्लॉटों पर कब्जे के खात्मे के लिए मुतालबे की तायद करते हुए सिंध असम्बली के ऐवान ने हुकूमत सिंध से कहा है कि सहाफियों के प्लॉटों को फौरी तौर पर वागजार करवाया जाए और अगर कोई तनाजा है तो इसे फौरी तौर पर हल किया जाए। जबकि स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने कहा है कि सहाफियों को ये प्लॉट उस वक्त दिए गए थे जब मैं वजीर बल्दियात था। मुजाहरे के शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर कब्जे के खात्मे से मुतालिक मुतालबात दर्ज थे। सिंध असम्बली की कवरेज करने वाले सहाफियों ने अलामती वॉकआउट किया। सहाफियों का मुतालबा है कि इस कब्जे का खात्मा करवाया जाए। सहाफियों का कहना है कि हमने रकम की अदायगी भी की हुई है। पीटीआई के रुकन सिंध असम्बली राजा अजहर ने यकीन दहानी कराई कि वफाकी हुकूमत से राबता करके इस मसले को हर मुमकिन हल करने की कोशिश करेंगे। हम ऐवान को यकीन दहानी कराते हैं कि गवर्नर सिंध और दीगर मुतालिका हुक्काम से फौरी तौर पर राबता किया जाएगा और जल्द सहाफियों के मुतालबे की तकमील के लिए इकदाम किए जाएंगे और हम हुकूमत सिंध के साथ हर मुमकिन तआवुन के लिए तैयार हैं।